मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब मैं विजिट करने चल रहा हूँ चौली की जाली। मुक्तेश्वरी माँ व मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम मुक्तेश्वर मंदिर के बाईं ओर से जौली की जाली की ओर चल रहे हैं। आप गेट से बाईं रास्ते से भी यहाँ आ सकते हैं। ये रास्ते के देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं। घने घने देवदार के पेड़ हैं। या मेरा उत्तराखंड टूर सीरीज का चौथा एपिसोड है। यदि आपने इसके पहले के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उत्तराखंड टूर में जाकर सभी वीडियो अवश्य देखें। रास्ते के कितने खूबसूरत मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूं। मंदिर से चौली की जाली लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। ये सामने आपको मैं चौली की जाली आ चुका हूँ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with. चौली की जाली फेमस है अपने सनसेट के लिए। यहाँ से सनसेट का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। आपको ऐसा नज़ारा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फोटो क्लिक भी आप यहाँ कर सकते हैं। आप यहां पर आते हैं तो एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ जरूर उठाइए। दोस्तों, आपको ये नज़ारे देखते देखते एक दो घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये सामने देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं। आपको सामने बहुत सी खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं। अधिकतर इन दुकानों में मैगी आपको मिलेगी, राजमा चावल पुलाव, मैगी जूस और फ्रूट भी मिल जाएंगे आपको।
फ़ोटो क्लिक की ये एक अच्छी जगह है, लोगों को फ़ोटो क्लिक करते हुए आप देख सकते हैं। यदि आप यहाँ के फ़ोटो देखना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। सामने देखिए बहुत से लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। इस पहाड़ी में आगे एक छेद है, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। देखिए यहां से आपको वो छेद दिखाई पड़ रहा होगा। यहां कहा जाता है कि जिस स्त्री को बच्चा नहीं होता है वह स्त्री व्रत रहकर इस छेद से शिवरात्रि के दिन निकले तो उसे अवश्य ही बच्चा होता है, ऐसी यहाँ मानता है। शाम के 5 बज चुके हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है, सामने आपको घने घने ये बादल दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैं 0 पॉइंट नहीं गया। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, अंधेरा भी होने लगा है, इसलिए मैं अब नीचे की ओर उतर रहा हूँ। ये रास्ता जो मैं नीचे की उतर रहा हूँ, ये रास्ता मुक्तेश्वर महादेव के गेट के बिल्कुल बाईं ओर से रास्ता गया है। यहाँ आप कढ़ी चावल, राजमा चावल व भट की दाल खा सकते हैं। अब मैं गेट की बाहर ओर निकल रहा हूँ। ये सामने मैं आपको पोस्ट ऑफिस दिखा रहा हूँ। रास्ते में जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ एकमात्र SBI बैंक है। यदि आप विजिट कर रहे हैं तो अपने साथ कैश जरूर लेकर चलें। रात को मैंने भवाली में स्टे किया क्योंकि रात को यहाँ काफ़ी ठंड होने लगती है। दोस्तों, यही आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से ही आपको नए वीडियो के साथ मैं मिलूँगा।